फ्रेंड्स, इस फिगर में आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन है। दोनों में एक बुलिश मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और दूसरा बेयरिश मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फ्रेंड, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता देता हूँ, सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन अगर आप प्राइस एक्शन मूवमेंट में देखते हैं तो इसमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दोनों साइड में ये मूवमेंट दे सकता है। और बेटर आप तभी डिसाइड कर सकते हैं, सपोज करिए प्राइस मूवमेंट नीचे की तरफ से आ रही है और यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन आप देख रहे हैं, तो ज़्यादा आप चांसेस मान सकते हैं कि अपसाइड में अगर ये एक ब्रेकआउट देता है तो काफ़ी बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे हमें कैप्चर करने को मिल जाती है। इसी तरीके से अगर अपसाइड से डाउन साइड में मूवमेंट आ रही है और एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशन देखते हैं तो ये अगर डाउन साइड में ब्रेकडाउन दे तो काफ़ी बढ़िया इसमें हमें टारगेट देखने को मिल जाते हैं।